हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल बैंडविड्थ पैकेज इन योर पीएक्सटेंस फायरवॉल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे किस प्रकार बैंडविड्थ पैकेज हम अपनी पीएक्सटेंस फायरवॉल में इंस्टॉल कर सकते हैं और किस प्रकार हम इस पैकेज की हेल्प से लाइव बैंडविड्थ यूसेज अपने नेटवर्क का देख सकते हैं। तो आज के इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और लॉगिन करते हैं अपने पीएक्सटेंस फायरवॉल में। और लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट चलते हैं सिस्टम पैकेज मैनेजर पर और यहां पर अवेलेबल पैकेजेस में जाते हैं और सर्च करते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, ये आपका पैकेज आ गया, छोटा सा पैकेज है, इंस्टॉल कर लेना है, लेकिन इसके यूसेज काफी ज्यादा हैं। सिस्टम एडमिन और नेटवर्क एडमिन के लिए काफी यूजफुल पैकेज है पीएक्सटेंस फायरवॉल में। यह आपको लाइव शो करेगा किस आईपी पर कितनी बैंडविड्थ यूज हो रही है और कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। ठीक है, इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद ये डायग्नोस्टिक्स में आपको मिलेगा। बैंडविड्थ अभी हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं इस पैकेज को, कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। पहले इसको इनेबल कर लेना है सबसे पहले तो, ठीक है। और लिसनिंग इंटरफेस हमें लैन ही रखना है क्योंकि हम लैन ही मॉनिटर करना चाहते हैं। यहाँ पर भी हमें लैन सेलेक्ट कर लेना है और प्रोमिसियस मोड याद से इनेबल कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, इसलिए ये टिक पहले से इसमें शो कर रहा है, लेकिन ये टिक इसको आप जब इंस्टॉल करोगे तो शो नहीं करेगा। तो आपको ये टिक लगाने होंगे, प्रोमिसेस मोड को इनेबल करना होगा और ड्रा ग्राफ पर भी आपको टिक नहीं मिलेगा शायद, या शायद मिले भी, इसको इनेबल रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आउटपुट टू CDF इसको इनेबल कर लेना है, बस इसके अलावा हमें कोई सेटिंग नहीं करनी है और सेव कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहां पर हमें डाटा शो होने लगेगा। यहां मैं आपको इसके बारे में बताना भूल गया, मेटा रिफ्रेश आपको 5 सेकंड मैंने रख लिया है, आप 10 सेकंड या अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहां पर वैल्यू डाल सकते हैं। मैंने यहां पर 5 ले लिए, ठीक है। तो यहां पर हम जाते हैं तो यहां पर आपको ग्राफ वगैरह शो करेगा, क्योंकि मैं ये वर्चुअल बॉक्स में आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा लाइव लोड नहीं है नेटवर्क पर, तो यहाँ पर शो नहीं होगा, लेकिन मेरे पास लाइव एग्जांपल है इसका, क्योंकि तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर ये रहा, ठीक है, यहाँ पर ये शो करेगा, ये देखिए। टॉप 20 IPs बाय ट्रैफिक डेली, ये आपके टॉप 20 IPs हैं जो ज़्यादा बैंडविड्थ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है आपको ये देखकर ही लग गया होगा। नेटवर्क एडमिन्स को ये डाटा काफी ज्यादा इसका चाहिए होता है यूसेज का, कौन कितनी बैंडविड्थ यूज कर रहा है, कौन 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 से प्रोटोकॉल्स यूज कर रहा है। P2P कोई ज्यादा तो यूज नहीं कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कोई ज्यादा यूज तो नहीं कर रहा है, ये सभी यहाँ पर शो हो रहे हैं। देखिए जो HTTP प्रोटोकॉल है वो ये ब्लू कलर से शो कर रहा है, VPN अगर कोई यूज करता है आपके नेटवर्क में तो ये येलो कलर से शो करेगा। अगर इसके नीचे आप जाते हैं तो ये आपको IP वाइज भी ग्राफ दिखाता है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि क्लाइंट साइड का फायरवॉल है और दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम आईपी वाइज भी देख सकते हैं। इसके नीचे आप अगर जाते हैं तो ये आईपी टॉप 20 जो आपको ऊपर शो हुए हैं आईपी, उन सभी का ग्राफ वाइज दिखाएगा किसने कौन से प्रोटोकॉल यूज किए हैं और कौन सा प्रोटोकॉल ज्यादा यूज कर रहा है। तो यहां से हम देखकर रूल्स क्रिएट कर सकते हैं उन आईपीज के लिए जो P2P यूज कर रहे हैं ज्यादा, या VPN ट्रैफिक कोई ज्यादा यूज कर रहा है तो हम उनके लिए भी रूल क्रिएट कर सकते हैं।
इस प्रकार ये बैंडविड्थ पैकेज नेटवर्क एडमिन्स और सिस्टम एडमिन्स काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और मेरी वीडियोस को आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी प्रकार की आपके लिए टेक्निकल वीडियोस लाता रहूँ। तो टेक केयर, बाय।